नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसा रेमेडी जो कि बालों में एकदम से नई जान फूंक देंगे। यदि आपके बाल रूखे सूखे कमज़ोर हो चुके हैं, बालों का बढ़ना रुक चुका है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, एकदम गुच्छे में बाल निकल रहे हैं, तो आज जो ये रेमेडी है आपके बालों को हर तरह से सुरक्षित रखेगा और बालों को गिरना रोकेगा, थामेगा। और आपके बाल जो समय से पहले सफ़ेद होने शुरू हो चुके हैं, वो जो एक दो बाल सफ़ेद हुए हैं वहीं पर वो जो है रुक जाएंगे, बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे आगे। और यदि आप पहले से ही इस तरीके की रेमेडी आप अप्लाई करने लगते हैं अपने बालों के ऊपर, तो जो हमारे बाल बचे कुचे होते हैं जो कि ब्लैक हैं, वो ब्लैक ही रह जाते हैं। जैसे शुरू शुरू में पता नहीं होता है, जब हम लोग छोटे होंगे तो इतना पता नहीं होता था कि हमारे बालों को केयर कैसे करना चाहिए, बस सिंपल सा शैम्पू और तेल से ही काम चल जाता था। तो इसके लिए क्या होता है कि बाल जो है बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल के बच्चियों को हम लोग अच्छे से केयर कर सकते हैं, बता सकते हैं उन्हें कि किस तरीके से आप अपने बालों को अच्छे से रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर से रेमेडी को बनाएं और अपने अपने घरों में अपने बच्चे को, बच्चियों को, फैमिली मेम्बर में किन्हीं को भी ये प्रॉब्लम है कि समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके ऊपर आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बालों के ऊपर लगा सकते हैं। एकदम साधारण सिंपल सी रेमेडी है जो कि हर कोई अपने घर में बहुत ही आसानी से बना ले। सिर्फ आप लोग को करना क्या है, वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप कर करके नहीं देखना है। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक मुट्ठी के जितना कड़ी पत्ता। मुट्ठी में आप नाप के देखेंगे तो ये एक मुट्ठी के जितना ही कड़ी पत्ता है, बिल्कुल भी ये सूखता नहीं है। और यदि आपके पास कड़ी पत्ते नहीं है ताज़ा वाला, तो आप इसका सूखा हुआ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही जगह बहुत आसानी से मिल जाता है इसका पाउडर। और दोस्तों, आप चाहें आपके पास ये वाले बहुत सारे पत्ते हैं, कहीं आप जा रहे हैं आपको नज़र पड़ गया कि इतना सारा ये जंगल का जैसा, तो ये होता है, तो आप पत्तियों को धो के अच्छे से सुखा के भी रख सकते हैं और जब चाहें इसका रेमेडी बना के और तैयार कर सकते हैं। मैं वीडियो कोई भी बनाती हूँ तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि हमारे सारे व्यूवर जो हैं अच्छे से समझ जाएं, और कोई भी बनाए, अनारी भी हो पहली बार भी वो बनाना चाहे तो उनका भी रेमेडी बहुत अच्छा बने। तो अब इसमें डालेंगे सबसे पहले एक ग्लास के जितना पानी। पानी डाल के इसको एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी धूल मिट्टी पड़ा हुआ हो तो वो निकल जाए। और आज की जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एक तो ये बनाना बहुत आसान है, इसे बड़े क्या बच्चे भी चाहें तो झटपट से बना के अपने बालों पे लगा सकते हैं, जो कि खुद से काम अपना कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ। तो देखिए, इसको पानी में डालने के बाद थोड़ा देर के लिए छोड़ दें, जिससे कि जो भी धूल मिट्टी हो तल्ले में जाके बैठ जाए और साफ़ सुथरा जो पत्तियाँ हमें मिल जाए। अब सारे पत्तियों को इस तरीके से छन्नी की मदद से आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और एक बार के रेमेडी के लिए इतना पत्ती ली हूँ। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जो है इसका सेवन खाली पेट में सुबह सुबह के टाइम में दो चार पत्तियाँ रोज खा के भी कर सकते हैं। इससे भी आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, स्किन अच्छा होता है। कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से हमारे बाल भी अच्छे होते हैं, स्किन भी टाइट होता है। तो आप लोग इसका सेवन जो है दाल सब्जी के अंदर भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसे खाना पसंद नहीं करते हैं, आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब आप घर में दाल सब्जी तो रोज़ बनाते ही हैं ना, तो कुछ पत्तियों को तड़के में डाल दिया करें। इससे सारे भोजन ही आपका जो है हेल्दी बन जाएगा, और सभी कोई जो नहीं भी खाना चाहते हैं वो भी इसी बहाने कड़ी पत्ता खा सकेंगे। अब यहाँ कोई सा भी आप बर्तन ले लें, कोई बड़ा कटोरा भी ले सकते हैं, इस तरीके की छोटी सी कढ़ाई है तो आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, एक सामग्री है जो कि हमारे भोजन को भी स्वादिष्ट बनाता है और हमारे बालों को भी ये बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। तो इसमें 2 चम्मच के जितना मेथी दाना डालना है, और साथ ही में इसमें डाल देना है हमें 1/2 चम्मच के जितना कलौंजी, यानी कि ये काला जीरा जो अचार में पड़ता है दोस्तों, इसे मंगरेला भी बोलते हैं। देखिए, तो ये कलौंजी है,
इसको कलौंजी बोलते हैं, मंगरेला बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा, जिससे कि मैं भी इसका नया नाम जान सकूं। तो 2 चम्मच मेथी दाना डालना है, और जिस चम्मच से आप मेथी दाना ले रहे हैं उस चम्मच से जितना मेथी है उसका आधा हमें कलौंजी ले लेना है। सारी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कुछ भी इसमें से मिस ना हो जाए। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो है छोटा सा घंटी उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे सारे ही वीडियो को देख पाए। सबसे पहले अब इसमें 1 ग्लास के जितना हमें पानी डाल देना है, आप घर के कोई भी ग्लास कटोरी कुछ से भी आप नाप के इसमें पानी डाल सकते हैं। और ये जो मैजिकल पानी आज मैं बना के दिखाने वाली हूँ इसको 2 तरीके से इस्तेमाल करना बताऊँगी, तो आप लोग पूरे ही आज वाले जो वीडियो है आज वाले वीडियो में पूरे ही बने रहें, आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जब आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 ग्लास पानी डालने के बाद ये जो है मेथी और कलौंजी इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिला देंगे, जो कि हल्का दाना होता है वो पानी के ऊपर ऊपर तैरने लगता है तो वो सारे भी इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए। थोड़ा देर इसको छोड़िएगा कि सारा पानी के अंदर जो ये कलौंजी जो ऊपर ऊपर तैर रहा है वो भी अंदर में जाके आराम से बैठ जाता है, यानी कि फूल जाता है थोड़ा। अब इसके अंदर ही हमें ये कड़ी पत्ता को भी डाल देना है, सारे ही 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी आप जितना चाहें उतना कड़ी पत्ता इसमें डाल दें, इससे कोई खराबी नहीं होगा, यदि मात्रा ज़्यादा भी पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की जो रेमेडी है खासकर उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और वो किसी भी उम्र के हैं, तो पूरा तो काला नहीं बनाएगा दोस्तों, जो बात है सो है। जो बच्चे हैं जिनका उम्र अभी कम है उनका बाल जो सफ़ेद होना शुरू हुआ है उनके बाल को ये काला बनाएगा और जहाँ सफ़ेद हुआ है वहीं पर रोक देगा। जो बड़े उम्र के हो चुके हैं जिनका उम्र हो चुका है बाल सफ़ेद होने का उनके बालों को ये एक रंगत देगा, पता नहीं चलेगा कि इनका बाल सफ़ेद है, और हर हमेशा वो लगाएंगे इस टाइप से रेमेडी तो उनके बाल जो है एकदम ब्लैक ब्लैक से ही दिखेंगे। तो अभी इसके अंदर हमें डालना है 1 चम्मच चाय की पत्ती, ये भी हमारे बालों को कंडीशन करता है, बहुत कंडीशनर का काम करेगा बालों के ऊपर और जो हमारे बाल को बहुत अच्छा चमकदार भी बनाता है चाय की पत्ती। तो 1 चम्मच आप इसमें चाय की पत्ती डालिएगा और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप चाय की पत्ती के जगह पे चाहे तो कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी तक इसमें जो भी चीज़ें ऐड की हूँ एकदम से सिंपल साधारण है, कोई भी ऐसा नहीं इसमें सामग्री डाली हूँ जो कि आपको आसानी से ना मिले। इसमें से क्या आपके पास नहीं है, क्या नहीं मिलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हो सकता है कि मैं उसका आपको दूसरा कोई तरीका बता दूँ कि इसके जगह पर आपको क्या डालना है। सारी चीज़ें इसमें पड़ चुके हैं, अब इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे 5 मिनट तक पड़े हुए। अब यहाँ पर रखे हुए इसको 5 मिनट के करीब हो चुका है और हल्का सा पानी का कलर देख पा रहे हैं कि चेंज हो गया है, जैसे जैसे ये चीज़ें फूलेंगे पानी का कलर जो है एकदम से डार्क होना शुरू हो जाता है। दोस्तों आप इसमें चाहें तो 2 चम्मच की जितना जो कसूरी मेथी होता है ना, जो हम लोग कसूरी मेथी सब्जी वगैरह में डालते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेथी दाना के जगह पे। यदि मेथी दाना आपके पास नहीं है कसूरी मेथी है तो आप कसूरी मेथी इसमें डाल दीजिए, उसमें भी मेथी वाला ही गुण पाए जाते हैं। और चलिए अब इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। अब यहाँ पर पानी को चूल्हे पर चढ़ाती हूँ और शुरू में थोड़ा सा आँच को तेज रखिए और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा फिर आँच को थोड़ा कम कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा टाइम लेके पकेगा और इसमें जितना भी चीज़ें ऐड किए गए हैं सारे के जो गुडनेस है पानी के अंदर आ जाए और हमारे पानी को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पानी बनाए जो हमारे बालों को झड़ने से बचा सके और इसको बालों को तेज़ी से लंबा बनाए, जो ग्रोथ रुक चुका है उसमें ग्रोथ शुरू हो जाए और बालों में जो इचिंग होती है डैंड्रफ की समस्या उसे भी ये दूर करे। आप चाहें तो इस तरीके से जैसे इसमें चीज़ें ऐड किए गए हैं आप रात में भी सारे चीज़ को पानी में डाल के पूरे रात इसमें ढक्कन लगा के भी छोड़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनके ये पानी जो है तैयार होगा। और आपके पास समय नहीं है, जैसे कि अभी आपने वीडियो देखा आपको मन कर जाए कि चलो इसको लगाया जाए, तो जैसे मैं आपको बना के तुरंत ही दिखा रही हूँ तो आप लोग इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं।
ध्यान रखिएगा कि जब पानी गर्म हो जाए तो आंच को बिल्कुल लो करके और इसको 10 से 15 मिनट तक उबालिएगा, नहीं तो क्या होगा, जो मेथी वगैरह है, जो चाय की पत्ती है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, इससे हमें पता चल पाएगा हमारा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँचा है और आपका थैंक्स भी कर सकूँगी। तो अभी पानी गर्म हो चुका है, आप देख पा रहे हैं, तो अभी कर देती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम, फ्लेम को लो करके रखना है। और ये जो पानी है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कब कब कर सकते हैं, सप्ताह में कितने दिन कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग पूरा ही वीडियो देखिएगा और एक बार इस रेमेडी को ज़रूर से अप्लाई करके देखिएगा, मेरे कहने पे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा आपके बालों के अंदर। और बिल्कुल भी इसमें ये चीज़ नहीं, कैसा भी चीज़ नहीं डाला हुआ है जो कि आपके बालों को हानि पहुँचाए और आप लोग लगाने से पहले डरे कि इसको लगाने से कहीं हमारे बालों में कुछ खराबी तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं कोई खराबी आएगा। बहुत सारे तेल की भी रेमेडी शेयर की हुई हूँ, बाल को काला कैसे करते हैं उसकी भी रेमेडी शेयर की हुई हूँ, आप लोग चाहें तो ज़रूर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुका है उबलते हुए, अभी इसको 10 मिनट के करीब और उबालेंगे जब तक कि मेथी का दाना बिल्कुल फूल ना जाए और पानी अच्छा गाढ़ा ना हो जाए और पानी थोड़ा सा जल के कम ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 15 से 17 मिनट इसको उबाली हूँ और पानी का कलर आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो चुका है और जो मेथी है वो भी अच्छा खासा फूल के इसका साइज जो है बड़ा हो गया है, आप देख पा रहे हैं, और पत्तियाँ का भी कलर बिल्कुल चेंज हो गया, यानी कि सारे चीज़ इसमें बहुत अच्छे से उबल उबल के और पक चुके हैं। अभी कर देना है हमें गैस को बंद और ये पानी को चूल्हे से नीचे उतार लेना है। अब जो ये पानी है इसको बहुत अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको तैयार करेंगे बालों पे अप्लाई करने के लिए। दोस्तों इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं अपने बालों पे अप्लाई कैसे करेंगे, यदि ये पानी ज़्यादा बन गया है, पानी बच गया है, तो आप इसको बोतल में या कोई भी बर्तन में रख के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, या आपके जो पानी है 8 से 10 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं डाला गया है जो कि महक जाए या उसमें स्मेल आ जाए, जैसे चावल वगैरह डाला होता तो फिर ये पानी आप स्टोर ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। इसको आप सीरम के तौर पर भी अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास समय नहीं होता है वो झटपट से रेमेडी को बना के, जब समय बचा है तो आप बना के रख लें, और जब आपके पास समय नहीं है, आप कम समय में इसको लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इस टाइप से जो हम लोगों के घर में तेल का जो खाली बोतल होता है, देखिए इसमें जो बहुत अच्छा सा छोटा सा इसमें नोज़ल सा बना होता है, तो आप ऐसे बोतल में भी इसको भर सकते हैं और सारे बाल पे जैसे कि पार्टीशन कर करके पूरे जड़ में आप यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप करके पूरे बालों को अच्छे से भिगा लें, 2 से 3 घंटा तक छोड़ दें। उसके बाद आप चाहें जिस दिन आप लगा रहे हैं उस दिन शैम्पू ना करें तो अच्छा होगा, आप साफ पानी से बस सिर्फ बालों को धो के छोड़ दें और अगले सुबह शैम्पू करें। आप चाहें तो पानी को रात भर लगा के अपने बालों में छोड़ दें और सुबह में शैम्पू कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके बाल गिरते हैं उनके लिए ये चीज़ है, और जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बाल को काला करना है, तो ये पानी कैसे काम करेगा चलिए उसको देख लेते हैं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और अपने दोस्तों में फैमिली मेंबर में शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, हर कोई के ये काम आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे इस वीडियो का जो है, इस रेसिपी का जो फ़ायदा है बहुत कोई उठा सके। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस पानी में से थोड़ा सा पानी हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, तो इसको छन्नी के मदद से निकालेंगे, नहीं तो क्या होगा इसमें जो चाय की पत्ती है वो आ जाएंगे पानी के अंदर। जितना आपको एक बार में लगाना है उतना आप पानी छान के निकाल लें और जो बचा हुआ पानी है इसको अच्छे से
ठंडा होने दीजिएगा, यानी कि छानना नहीं है। अभी सारे चीज़ें इसी में पड़े रहेंगे। इसी तरीके से हमें बर्तन को डाल देना है, फैन के हवा में भी सुखा सकते हैं, ऐसे भी आप छोड़ दीजिए आराम से, ये ठंडा हो जाएगा। सूखने का बात बोल दी, सॉरी, तो ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको छन्नी से या कोई भी कपड़ा में डाल के अच्छे से निचोड़ के छान लीजिएगा, जिससे कि कोई भी चीज़ इसमें का बर्बाद ना जाए और पानी को स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आप इसको लगाना चाहें शैम्पू करने से 3 घंटा पहले, जैसे मैं आपको बताई, उस तरीके से भी पानी का आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो चलिए अब इस पानी को बनाते हैं कि बालों को काला कैसे करेंगे। जो बाल ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं उसको हम लोग कैसे कलर देंगे। पानी ठंडा हो चुका है, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच की जितना तेल। आप कोई भी तेल इसमें डाल सकते हैं, सरसों का, नारियल तेल, तिल का तेल, कस्टर्ड वाइट, कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं अपने मन पसंद का तेल। अब चलिए बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर ले लेना हमें एक दूसरा बर्तन, और इसमें डालना है मेहंदी पाउडर। जितना आप अपने बालों में मेहंदी लगा पाएँ उतना हिसाब से आप ले लीजिएगा, छोटा बड़ा जैसा आपका बाल है उस हिसाब से। अब मेहंदी पाउडर को इसी पानी में घोलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको अच्छे से घोलेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। और मेहंदी जो है बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, तो धीरे धीरे से करके ही इसमें पानी को डालेंगे, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो, जब बहुत ज़्यादा सूखा भी ना बचे। और मेहंदी को यदि आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपके बाल में मेहंदी भी लगेंगे, और जो मेहंदी लाल लाल सा कलर कर देता है वो भी बचाएगा करने से, क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता और चाय की पत्ती डाली हुई है, और इसका कलर इतना ज़्यादा डार्क आएगा कि जो पके हुए बाल हैं वो पता ही नहीं चलेंगे। तो इसी तरीके से आप इसको करके अपने बालों पर लगा लें। तो जो बड़े उम्र के हैं उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ये रेमेडी उनके लिए है। और जो मैं पहले बताई वो हर उम्र के बच्चे बच्चियां कोई भी लगा सकते हैं। बालों को झड़ना है वो रोक देगा और बहुत तेज़ी से बाल को बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा, बाल एकदम से सिल्की शाइन हो जाएंगे, और डेंड्रफ की जो शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सप्ताह में यदि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो 3 दिन इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा, और कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत लगाए या तुरंत आपको असर कर जाए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जब तक कुछ दिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इसका जो फ़र्क है वो आपको पता नहीं चलेगा। और इसका जो सीरम आपको बना के दिखाई हूँ, अब सप्ताह में आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी दिन चाहे अपने बालों पर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत बनेंगे जो कोई मेहंदी लगाना नहीं चाहते हैं। उम्मीद करूंगी आज की रेमेडी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से करेंगे। तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ दूसरे वीडियो में फिर से कोई नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।